नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले रीट शिक्षक भर्ती लेवल वन के चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी खुशखबरी। ये उपेंद्र जी यादव ने कहा है अपने ट्वीट के ऊपर, तो जो ट्वीट किया है वो दिखाने से पहले कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा लीजिए ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले व सबसे तेज पाने के लिए। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ये उपेंद्र जी यादव का ऑफिशियल ट्विटर है। इस पर रीट वन भर्ती 2018 चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगी खुशखबरी, फाइल को हरी झंडी का इंतजार। एवं रीट लेवल वन एवं लेवल टू की वेटिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट देखिए खबर। तो दोस्तों ये खबर में एक लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक करके हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। थोड़ा वेट करें, ये अपने सामने ये राजस्थान बेरोजगार एकित महासंघ का ऑफिशियल साइट है, ये खुल गई है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है रीट लेवल वन भर्ती 2018, ये अपने पढ़ लिया। और अब रीट 2018 शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों रीट लेवल वन 2018 के चयनित 26,000 चयनित को जल्दी नियुक्ति की बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। आचार संहिता में नियुक्ति देने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग से अनुमति के लिए भेजी जा रही फाइल स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के बाद अब पश्चात खुशखबरी मिलने के आसार है। तो इसमें लिखा हुआ राज्य निर्वाचन आयोग जयपुर की सिफारिश के बाद फाइल भारतीय निर्वाचन आयोग अनुमति के लिए जा चुकी है, जिसके पश्चात खुशखबरी मिलने का आसार है। शनिवार के दिन भी सचिवालय में फाइल पर काम चलता रहा और शाम को फाइल दिल्ली भेजी गई। राजस्थान बेरोजगार एकित महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ने नियुक्ति के लिए प्रयासरत है। आज उन्होंने सचिवालय जाकर फाइल की स्थिति को जाना और बताया कि फाइल शनिवार शाम को ही दिल्ली है वो भेजी गई है। तो दोस्तों ये था उनका ट्वीट और ये थी उनकी न्यूज़। उन्होंने दिया कि उपेन्द्र यादव ने बताया कि नियुक्ति इस फाइल के लिए लगातार अधिकारियों के संपर्क में है और जल्दी है वो इसका खुशखबरी है रीट लेवल वन वालों को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।